प्रणाम मित्रों, मैं हूँ पीयूष मोहन और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल विशेष औषधि वाला। मित्रों, एक छोटी सी समस्या पे आपसे बात करेंगे, लेकिन बहुत लोगों की समस्या है। समस्या ये है कि क्या आपको छिपकली से डर लगता है? लगता है ना, आप भी छिपकली को देखते उही करके भाग जाती है या भाग जाते हैं। लड़कियों को खासकर बहुत डर लगता है कि ऊपर से गिर पड़ेगी ये छिपकली, अभी गिरने वाली आप ही के ऊपर, होता है ना ऐसा, महसूस किया ना कभी कभी? तो वैसे एक बार बता दूं, ऐसे गिरती नहीं है आराम से, उनको बहुत अच्छे से चलना आता, भागती हैं, उल्टा भी भागती हैं, लेकिन आपको लगता है कि भी गिर जाएंगी मेरे ऊपर। तो उससे बचने का उपाय क्या है वो जानना है यदि आपको, तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि इसको कैसे करना है। क्योंकि छोटा सा चीज यदि मिस हो गई तो फिर आपसे नहीं बनेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। मैं आज बता रहा हूं कि छिपकली के बारे में, छिपकली को भगाने का क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि छिपकली आपको बहुत परेशान करती है। तो छिपकली को भगाने के लिए छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, आप घर में बना सकते हैं, घर में अप्लाई कर सकते हैं। करना क्या है, आप ये जो लहसुन के जो छिलके होते हैं ना, उसको फेंक देते हैं, उसको फेंकिए मत, और जो डंठल होते हैं ना किसके, मिर्च के, उसको भी फेंकना नहीं है आपने, उसको इकट्ठा करके रख लीजिए, और इकट्ठा करके बाद में उसको अच्छे से कूट लीजिए, इसमें वो खरल सी होती है ना उसमें कूट लीजिए। कूटने के बाद में उसमें मिला दीजिए थोड़ा सा एलोवेरा, गमले में से निकाल लीजिए, गमले में से ना हो तो आप मार्केट वाले में मिला सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से मिला दीजिए। और मिलाने के बाद में उसमें आपको एक चीज और मिलानी है, लेकिन मिलाने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप दूसरों को जरूर भेजा कीजिए, और ये भी अच्छा लगे तो दूसरों को भेज दीजिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे सवालों के आपके उत्तर यहाँ मिल जाएंगे। जितने भी आपके सवाल, जितने भी आपके मन में प्रश्न आते हैं, सबके उत्तर और सबकी बीमारियों के जवाब आपको इस चैनल में मिल जाएंगे, क्योंकि लगभग हर बीमारी का जो है उपाय मैंने इसमें, घरेलू उपाय मैंने बताया। और हमारा कोई मंशा नहीं होती, कोई उद्देश्य नहीं होता कि हम आपसे पैसा कमाएं या अपनी चीजों को बेचें। हम चाहते हैं आप घर में ही अपना सामान बना लें और आप अपने रोगों को दूर भगा लें। तो दूसरों को जरूर बता दीजिएगा। विशेष औषधि वाला पेज यदि आप फेसबुक पे देखते हैं तो वहां पे जाके उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं दूसरी चीज और बता रहा था, ये तो आपने मिला के रख लिया, अब इसमें और क्या डालना है आपने। इसमें दो चार कली लहसुन की डाल दीजिए और दो चार मिर्च डाल दीजिए, और अच्छे से उसको कूट पीट के आप मसाला जो बन गया उसको मर्तबाने में रख दीजिए या किसी भगोने में रख दीजिए, और उसको थोड़ा सा पानी से भर दीजिए, पानी डाल दीजिए करीब दो गिलास। अब उसको छोड़ दीजिए, 24 से 48 घंटे बाद में आप उसको निकाल लीजिए, अच्छे से कपड़े से छान लीजिए, और उसको भर लीजिए किस में, स्प्रे वाली गन में। अब आपको पता ही क्या करना है, जहां भी आपको दिखाई दे कि छिपकली आ रही है, जिस रास्ते में छिपकली जाती है, बस वहां वहां स्प्रे कर देना, भाग जाएंगी, बिल्कुल नहीं रुकेंगी, क्योंकि छिपकली के लिए जो गंध बना दी आपने, ये उसको बहुत गंदी लगेगी और इससे डर के या उससे बचने के वो भाग जाएगी। और जो आपने ये जो बनाया है ना, ये जो स्प्रे, एक बात और बता दूं आपको, ये जो आप प्लांट लगाते हैं ना घर में अपने, उनके ऊपर स्प्रे करने में बहुत अच्छा होता है। जी हाँ, तो वहां भी आप कर सकते हैं, उसमें भी कीड़े भाग जाएंगे। दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो आगे जरूर शेयर कीजिएगा, और इस तरह की और वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में मुझे अपने जो सुझाव है जो अपने कमेंट से नीचे जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे फिर किसी नई जानकारी के साथ, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल विशेष औषधि वाला, क्योंकि आयुर्वेद ही है तो मुमकिन है, आयुर्वेद पर तो लौटना ही होगा दोस्तों।